बीकानेर में संविधान पार्क लोकार्पण समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया और कहा कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने देश में लोकतंत्र की नींव डाली थी। भले ही सुनने में ये आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच है। कृष्ण ने कंस को हराकर राज्य का संघ बनाया। चाहते तो जीते हुए राज्य पर शक्ति से शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्य को संघ में बांट दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण, और वैसे भी कलराज मिश्र भगवान कृष्ण को मानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। मैं तो बल्कि आज इस अवसर पर आप सबसे ये भी साझा करना चाहता हूं कि हमारे यहां लोकतंत्र की सबसे पहले किसी ने नींव डाली तो भगवान श्री कृष्ण थे। यह बात अचरज की लगेगी पर सच है। कंस को हटाकर मुट्ठी में आए राज्य को उन्होंने संघ राज्य बनाया। चाहते तो शक्ति से जीते इस राज्य के वह राजा हो सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी जीत के ऐश्वर्य को स्वेच्छा से संघ राज बनाकर बांट दिया। द्वारका देश का इस दृष्टि से पहला गणराज्य था। मैं तो बल्कि राज्यपाल कलराज मिश्र के संबोधन को हम सुना रहे थे। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने लोकतंत्र की नींव डाली। उन्होंने जब अपने मामा कंस को मारा तो उसके बाद वहां संघ की स्थापना की। वो चाहते तो बलपूर्वक खुद भी शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधन में कहा है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की, संघ की स्थापना की। भले ही सुनने में आश्चर्यजनक लगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये सच है। जब भगवान कृष्ण ने कंस को अपने मामा को हराकर राज्य का संघ बनाया, वो चाहते तो राज्य पर शक्ति पूर्वक शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने राज्य को संघ में बांट दिया और इस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना के साथ उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जहां ये समझाया जा सके कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए होना चाहिए, सच की स्थापना के लिए होना चाहिए। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि वैसे भी महामहिम कलराज मिश्र आस्था में विश्वास रखते हैं, भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, क्या इस उदाहरण को आपको लगता है कि पॉलिटिकली देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये सच है कि उन्होंने जो कहा वो भगवान कृष्ण के उन लीलाओं का हिस्सा जिसके जरिए वो बुराई को खत्म करना चाहते थे। देखिए, सवाल ये है विजेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकली क्या दूसरी पार्टीज देखेंगी ये देखना होगा। हालांकि उन्होंने एक उदाहरण दिया, उनका कहना था कि कृष्ण जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डेमोक्रेसी लागू की। वो ये बता रहे थे कि भारत आदि आदि काल से डेमोक्रेसी में भरोसा करता है। हालांकि जब इसे हम अलग तरीके से देखते हैं तो ये बात ज्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन वो बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कंस को जब हरा कर उन्होंने जीता तो संघ बनाया, चाहते तो शक्ति से राज्य कर सकते थे। अब देखिए, उस समय था तो आप भी जानते हैं राजतंत्र, किस संदर्भ में किस तरह से उसको उदाहरण देना चाह रहे थे। संभवतः वो कहना चाह रहे थे कि सबको साथ लेकर चलने की बात हमारे पुरातन संस्कृति में भी मिलती है, उसी का संदर्भ रहा होगा। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर दूसरी पार्टी किस तरह से लेती हैं, और आप जानते हैं इस वक्त देश में जिस तरह से बयानों पर राजनीति हो रही है, राष्ट्रपति के बाद बयान पर बहुत सारा बवाल आप लगातार रख रहे हैं, तो मुझे लगता है किस संदर्भ में लेंगे। लेकिन एक बड़ा सा बयान नजर आ रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि कृष्ण पहले लोकतांत्रिक थे, और ये बात तब कही जब वो संविधान पार्क का लोकार्पण समारोह में शिरकत कर रहे थे। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मानकर चलिए अगर इस पर राजनीति होती है, बयान के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, तो हो सकता है बीजेपी ये भी उदाहरण दे दे कि जब रावण को श्री राम ने उनका वध किया था तो उसके बाद विभीषण को सत्ता सौंपी थी, राम ने अपने हाथ में नहीं रखी। नमस्कार।